अरे मेरी मम्मी ने भी पूरा फर्श चमका रखा कती, थोड़ा बहुत रेत छोड़ देती। यहाँ पे देख ले, अच्छे से पढ़ाई करा कर, ये वाली इक्वेशन तेरे मैथ के एग्जाम में आएगी। ध्यान लगा के पढ़ ले वरना फेल हो जाएगी। ठीक है भाई। अरे मेरे बाग देख कितनी बढ़िया थी, यहाँ पर डलना करे हैं। सुख रखा भगवान इनका, किसी की नजर ना लगे। इतने तो बल्ले ना है, ये कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखू। राम जादव कुत्ता। हाँ बेबी, देखो मेरे पास पैसों का भी जुगाड़ हो गया है और कल हम दोनों चल रहे हैं मूवी देखने, तो चुपचाप ना स्कूल का बंक कर लेना, मैं भी बंक मार लूँगा और दोनों मूवी देखने चलेंगे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, लव यू। भाई मुझे पता है मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, हाँ, पर मेरे कभी घमंड नहीं करा है। सारी टीचरें बोलती है इतनी इंटेलिजेंट है, देख मुझे तो पता है, और पर सारे बच्चे काम नहीं करते। चल यार छोड़, तू पता मैं काम करती हूँ ना भाई। बेबी आज तूने भी बंक मार लिया और मैंने भी बंक मार लिया, आज ना हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, एक नंबर की पिक्चर लगी है। अच्छा बेटा, स्कूल बंक करके मेरे को बेवकूफ बना के यहाँ इसके साथ आशिकी कर रहा है। अभी बताती हूँ मम्मी को और टीचर को, तेरी टांगे ने तुड़वाई ना, मेरा नाम भी आदित्य ही नहीं। देख बहन तू ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगी, तेरे को हमारे भाई बहन के रिश्ते की कसम है, तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसा करूंगा। लेकिन देख तू मम्मी को और ना टीचर को कुछ मत बताइयो प्लीज। चल अगर ऐसी ही बात है तो निकाल कुछ पैसे। यार मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं तेरे को पता तो है, ना पापा पॉकेट मनी देते हैं ना मम्मी कुछ पैसे देती है, मैं कहाँ से पैसे दूँ तेरे को? अगर मेरे पे पैसे होते तो मैं तेरे को मना करता देने के लिए। अच्छा वो जो कल रात तूने फ्रिज के कवर के नीचे से 1000 रुपए चुराए थे वो? चल 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 चुपचाप से निकाल। अच्छा तूने देख लिया था क्या? हाँ बेटा, चील की निगाह है मेरी, तो जो भी करता है ना सब देखती हूँ मैं, मेरी निगाह बस तुझ पे ही रहती है। और ये मत सोचियो मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं पता, सब पता है मुझे, जल्दी निकाल। ये ले बहन 500 रुपए, लेकिन देख मेरे से प्रॉमिस कर तू मम्मी को नहीं बताएगी कि मैंने पैसे चुराए थे और ना टीचर को बताएगी कि मैं बंक मार के मूवी देखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब सुन हम दोनों आज जा रहे हैं और तू मेरे को छुट्टी के बाद मिलियो। ठीक है, देख लियो मैंने तेरे को पैसे दे दिए, अब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो बाय। चले बेबी हमारी तो बात बन गई, अब ये अपना स्कूल जाएगी और हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। हरामखोर, अब ये काम करने लग गया, स्कूल से बंक मार के लड़कियों को फिल्म दिखाता है। तेरी स्कूल से टीचर का फोन आ गया था, सब बता दिया उसने हमें। तूने टीचर को बता दिया? अब ये काम भी करना बाकी था तेरा। और हाँ मम्मी ये देखो,
ये देखो कल रात को ना इसने फ्रिज के कवर के नीचे से 1000 रुपए चुराए थे और मेरे को 500 रुपए दिए और कहा कि घर में किसी को मत बताइयो। और इसने अपने पैसे को क्या किया ये मुझे नहीं पता। क्या क्या तूने 500 रुपए का? दे मेरे 500 रुपए। पापा वो मैंने 500 रुपए के अपने दोस्तों के साथ मिलके समोसे खा लिए। समोसे खा लिए लड़के के साथ? फिल्म देख के आया, झूठ बोलता है, हैं? बहन क्या खा रही है? दिख नहीं रहा, नमकीन खा रही हूँ। थोड़ी सी दे दे यार। चल चल मैं नहीं दे रही, चल। बहन नहीं है, थोड़ी सी दे दे बस। चल तू मेरी हर चीजों को खराब करता है, मैं नहीं दूंगी तुझे। थोड़ी सी लूंगा बस, थोड़ी सी दे दे प्लीज। यार एक बार पेन दिखा दे। चल 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 मैंने दे रही। अरे एक टिक मार्क लगाना है बस, दिखा देना। तो खरीद के लिया, मैंने दे रही अपना पेन। प्लीज बहन नहीं है मेरी, दे देना। दे ले। चल ला मेरा पेन दे अब। कौन सा पेन? मेरा पेन दे। अबे चल मैं दे रहा। मेरा पेन दे। सर मत खा मेरा, नहीं दे रहा ना। चल क्यों तूने मेरे से लिया था? मेरा बहन दे मुझे। अरे मेरे चेप मत, चल चल मेरा बहन दे मुझे अभी। वो दे रहा मुझे। मेरा बहन दे, मेरा बहन दे, मेरा बहन दे मुझे। हाँ मैं ज्यादा करता है, मेरा बहन दे। बहन क्या खा रही है? तुझसे मतलब? यार थोड़ी सी दे दे प्लीज। चल 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 बिल्कुल ना तुझे, हट। दे दे यार, बहन नहीं है मेरी, प्लीज दे दे थोड़ी सी। खानी है? हाँ। ले खा। खाना भाई खाना प्लीज। चल सूखली सी। मेरा भाई नहीं है, थोड़ा। खाएगा खाएगा, खाओ खाओ। मम्मी सपना था। सोचा चुपचाप वरना तेरा यहीं मुंह तोड़ूंगा। चल सुन, मेरे कपड़े प्रेस कर दे, सुबह चाहिए मुझे स्कूल में। तो मैं क्या करूं? चुपचाप जाके प्रेस कर दे मेरे कपड़े। चल चल मैं नहीं कर रही, खुद कर ले। मम्मी देख रहा है इसको, इसको बोलो जाके मेरे कपड़े प्रेस करेगी। कल को शादी करके ससुराल जाएगी तो वहां भी ऐसी नखरे दिखाएगी क्या ये? ऐसा ही रहा तो इसको काम करना नहीं आएगा, बोलो इसको। जा बेटी जा कर दे, अपने भी कर ले, भाई के भी कर दे। आगे तेरे काम आओगा, आगे तेरे सासरे भी जाना। बेटी जा। सारे काम मुझे ही बोलते हो। यार मेरी कॉपी पे कवर चढ़ा दे, मैडम ने बोला था नहीं होगा तो फिर नंबर काटेगी। ले चढ़ा दे ले। अब तो मैं क्या तेरी नौकरी क्या? हर काम मैं ही करूँ, खुद भी कुछ कर लिया कर। चले मैं नहीं कर रही। मम्मी देखियो इसने, कल को इसकी शादी होगी, ससुराल जाओगी तो वहाँ भी ऐसे नखरे दिखाएगी। तो ससुराल में कौन कवर चढ़ाता है? कल को तेरे बच्चे नहीं होंगे क्या, उनके कवर कौन चढ़ाएगा? बोलो मम्मी इसको कुछ। जा कर दे बेटी, जा कर दे, तेरे काम आओगा। चल यार काम मुझे बोलते हो। सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है, कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे। क्या है तुझे दिख नहीं रहा? बड़ी भी देख रही हूँ, रिमोट दे। मम्मी देखियो, बड़े बड़े लोग वाली फिल्म देखे। जाकर छोरी पढ़ ले, चल दिखा दूंगी तेरा फिल्म। चल क्या है? आई बड़ी। तू
बना लोग हो रहा है, जाकर पढ़ लिख नहीं लेता तू भी, चल भजा दे। क्योंकि सास भी कभी बहू थैंक यू सो मच। हाँ पार्टी, अरे पक्का, एक बार मुझे स्कूल आने दे, फिर पार्टी पक्का करेंगे। हाँ ठीक है, अरे पक्का। यहाँ पे क्या कर रही है? एक मिनट, मैं अभी तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। भाई तुझे पता है आज मेरा बर्थडे है? हाँ पता है मेरे को। तो फिर बता मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है? मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट लाया हूँ, ये ले वॉच, तेरा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू भाई, बहुत अच्छी है। चल मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? बेबी तेरे को पता है कल हमारी एनिवर्सरी है, हमें एक साल हो गया साथ में, तो मैंने तेरे लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया है, कल शाम को मिलियो मेरे को, ठीक है? अच्छा, मुझे सड़ी सी घड़ी पकड़ा दी, अब चला गया होगा ना उस चड़ैल के पास सारे पैसे खर्च करने। वैसे तो मेरे आगे पीछे बहन बहन करता घूमता है, और जब गिफ्ट देने की बारी आई तो ये सड़ी सी वॉच पकड़ा दी। ये भी दे दी, ये भी उसी को दे देता, सड़ी सी घड़ी दे दी, अभी जाती हूँ उसी के सर पे मार के आती हूँ ये घड़ी, मुझे नहीं चाहिए ये घड़ी। पक्का उस चुड़ैल के पास ही गया होगा। यार सिब्बू एक बात बोलो, अगर तू बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। आज हमारे रिलेशन को एक साल हो गया, और मैंने तुझे बोला था कि मैं कुछ सरप्राइज प्लान करूंगा, बट एक्चुअली ना आज मेरी बहन का भी बर्थडे था, तो मेरी जितनी भी सेविंग्स थी ना, मैंने वो सारे पैसे जोड़ के अपनी बहन को एक वॉच गिफ्ट कर दी। आई एम सॉरी यार, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं ला पाया। अरे तो क्या हो गया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं ला पाए तो? आज तुम्हारी बहन का बर्थडे है यार, उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। कोई बात नहीं, अगर हम इस साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। और मैं तो कह रही हूँ आज शाम को उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी प्लान करते हैं, कैसा आइडिया? अच्छा है। वैसे तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया? अरे मुझे बुरा क्यों लगेगा, तुम आज के दिन मेरे साथ हो, मेरे लिए यही खुशी की बात है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और सरप्राइज क्या होगा? भाई थैंक यू सो मच, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, इसको मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। थैंक यू भाई, लव यू भाई। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता।